ये हिंदुस्तान के होनहार हैं जिन्हें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। हिंदुस्तान के हुनरबाजों में एक नाम तक्षशिला बुद्धदेव का भी है, जिस संगीत को सीखने में बड़े बड़े फनकारों को 12 के 12 राग बखूबी आते हैं। तक्षशिला को हारमोनियम और तबले में तक्षशिला किसी भी फनकार को मात देने का मादा रखते हैं। कई कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो पर आ चुके हैं तक्षशिला के, 100 से ज्यादा कार्यक्रमों का हिस्सा बन चुका है तक्षशिला, एक नहीं सैकड़ों उपलब्धियां हैं तक्षशिला के पास। यूं कहिए कि 12 साल की उम्र में चलते फिरते टैलेंट का खजाना है तक्षशिला। मैं तबला बजाता हूँ, हारमोनियम बजाता हूँ, कैसियो बजाता हूँ। ओके, तो आपने सबकी क्लासेस लेते हो कैसे? हैरानी होगी आपको ये जानकर कि 2 साल से तक्षशिला की उंगलियां हारमोनियम और कैसियो पर मक्खन की तरह से चलने लगी थी, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई शौक जुनून में बदलता गया, और आज इसी जुनून ने तक्षशिला को यहां तक पहुंचा दिया है। क्या म्यूजिक है, कौन सा राग? ये तक्षशिला है ना, राग आहिर भैरव का लहरा बजा रहा है, जो 3 ताल के लिए यूज होता है, और ये जो है बड़ा मुश्किल राग है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें